हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बता रही हूँ खिले खिले चावल कैसे बनाएं। तो मैंने चावल बनाने के लिए सबसे पहले चावल को अच्छी तरह धो लिया है। मैंने इन्हें चार बार साफ पानी लेके चार बार धोया है। आप अपनी इच्छा अनुसार चार या पांच बार धो सकते हो। तो अब मैं लूँगी एक भिगोने में पानी और पानी को कर लूंगी बॉयल। जब पानी उबलने लगे तब हम इसमें एक चम्मच घी और चावल को ऐड कर देंगे। तो अभी मैंने पानी को गर्म होने के लिए रखा है। तो ये मेरा पानी उबल गया है, मैं इसमें डाल दूंगी एक चम्मच घी। और यहाँ मैंने लिया था एक कप चावल और चार कप लिए थे पानी। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपने सारे चावल। अब हम इन्हें अच्छी तरह मिला देंगे। तो जैसे हमारा पानी उबलने लग जाए मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक नींबू का जूस। ये ले लिया मैंने एक नींबू का जूस, मैं इसमें डाल दूंगी। इससे हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। और हम अब इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम अपने चावल को चेक करेंगे। तो ये देखिए मेरे चावल हो चुके हैं। अब मैंने एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लूंगी। जो इनमें एक्स्ट्रा वाटर है उसे निकाल दूंगी। तो फ्रेंड्स मैंने चावलों को निकाल लिया। देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं एकदम से, और एक एक चावल अलग है। ये देखिए एकदम से खिले खिले चावल बने हैं और एकदम से अलग अलग चावल, कोई भी चावल एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।